بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students and honorable viewers welcome to Shaheen Leaders Academy students aaj ki ye jo video hai aziz talba wa talibat ke liye test number 10 physics test number 10 ki surat mein bana rahe hain aur ye jo video hai isme types of motion types of equilibrium types of heat कंडक्शंस कन्वेक्शंस रेडिएशन और जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैट्रिक बेस्ड और एफएससी बेस्ड के जो एग्ज़ाम हैं बच्चों के उनमें से हमने ये पिक किए हैं और स्पेशली ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि बार बार आर्मी एयरफोर्स नेवी के जितने भी टेस्ट हैं उनमें ये रिपीट हो रहे हैं और इन्हीं एमसीक्यूज को आपने याद कर लेना है ताकि आने वाले जितने भी आपके टेस्ट हैं वो आपके आसानी से पास हो सकें और आप 100% उस पर से नंबर ले सकें तो आए हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कुछ टाइप्स और कुछ डेफिनेशंस फिज़िक्स से रिलेटेड हैं जो कि हमने मैट्रिक के सिलेबस से और एफएससी के सिलेबस से वो तमाम सवालात पिक कर ली हैं जो कि बार बार आपके आने वाले टेस्टों में और इवन देन के जो गुज़श्ता जितने पेपर हैं उनमें ये सारे रिपीट हो चुके हैं टू दी वन सीरियल नंबर वन दी सेंट्रीपिटल फोर्स The centripetal force pulls the object towards the center of the circle. जी centripetal force बिल्कुल ये एक सर्कल के जो मरकज की तरफ है उसको वो पुल करती है उसको हम कहते हैं centripetal force. Then as a reaction another force appears at the center of the circle which is equal in the magnitude to the central centripetal force. जी और एक और reaction अगर उसका देखा जाए तो उस force की वजह से जो सेंटर के अंदर सर्कल है उसमें भी एक फोर्स पैदा हो रही है विच इज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड टू द सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसके बिल्कुल वो बराबर है इक्वल है बट अपोजिट्स इन द डायरेक्शन लेकिन ये होता है कि उसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है कुछ इनर साइड पे है तो उसकी दूसरी जो होगी वो आउटर साइड पे जा रही होगी द आउटवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छा वहां पे जो उसका आउटवर्ड रिएक्शन है बाहर की तरफ उसका जो रिएक्शन है रद्दअमल है उसको हम फिर क्या कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टूडेंट्स ये बड़ी ही बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर लिहाजा आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो इनको आप अच्छे तरीके से बार बार याद करें रिपीट करें ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो तो स्टूडेंट्स पार्ट टू की तरफ हम चलते हैं सीरियल नंबर टू है और सीरियल नंबर टू जो है वो है देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात हो रही है कि कौन कौन से लॉज ऑफ मोशन हैं नंबर वन जहाँ पे डिस्कस करेंगे नंबर टू और नंबर थ्री तीनों जो कि न्यूटन ने आपको बताए हैं एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट जी हर एक बंदा या हर एक बॉडी या जो जिस्म है वो रहता है अपनी उस स्टेट में रेस्ट की स्टेट में और यूनिफॉर्म मोशन या उसकी एक बिल्कुल यकसा हरकत जारी होती है इन एज स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड टू चेंज स्टेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स वो उस वक्त तक अपनी हालत बरकरार रखता है जब तक कि बाहर से कोई ऐसी फोर्स उसके ऊपर न लगाई जाए जो उसको कंपेल करे और उस कंपेल होने की वजह से उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है बाई एन एक्सटर्नल फोर्स जब बाहर की ताकत उसके ऊपर लगती है इम्प्रेस्ड अपॉन इट इज कॉल्ड फर्स्ट न्यूटन्स लॉ जी इसको हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन स्टूडेंट्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपॉन ए बॉडी जब आप किसी एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड उर्दू जबान में कहते हैं इसरा वहां पे एक इसरा पैदा होता है एक्सेलरेशन पैदा होता है इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होते हैं वहां पे उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन जी सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके टू द मास इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसको आप कहेंगे दूसरा जो न्यूटन का कानून हरकत है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का आप उसको इससे नाम से आप मौसूम करेंगे सीरियल नंबर फाइव पे देखें सिंपल पेंडुलम इज
रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी जी, सिंपल पेलोनम जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है. सच टाइप ऑफ मोशन विच एवरी पार्टिकल ऑफ ए बॉडी हैज एक्जैक्टली द सेम मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन जी. ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन किया गया यहाँ पे इस तरह की मोशन, इस तरह की हरकत विच एवरी पार्टिकल ऑफ ए बॉडी हैज एग्जैक्टली द सेम मोशन इज कॉल्ड. यानी कि हर एक पार्ट ऑफ बॉडी का जो मूवमेंट है, उसकी जो मूवमेंट है वहाँ पे वो बिल्कुल जो एग्जैक्टली द सेम मोशन इज कॉल्ड, उनकी एक जैसी पोजिशन हरकत होती है और उसको कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन. फ्रेंड्स व्हेन ईच पॉइंट ऑफ बॉडी मूव्स अराउंड जी, व्हेन ईच पॉइंट ऑफ बॉडी मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट्स टू एक्सिस, एक बिल्कुल महवर के गिर्द एक पॉइंट होता है, उसके गिर्द सारा बॉडी, बॉडी का हर एक पॉइंट उसके गिर्द घूमता है. व्हेन द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन जी, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, रोटेटरी मोशन है. रोटेटरी मोशन की आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, व्हेन ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट टू एक्सिस देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. आगे हम देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ये क्या है जी. व्हेन ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट द पॉइंट एंड द रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन, एक तरफ से दूसरी तरफ बार बार आगे पीछे जो उसकी मूवमेंट हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर, उस पहली जगह पर दूसरी जगह, उस पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो उसकी मूवमेंट है, जो मोशन है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. नंबर 9, इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन जी, अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी मूव कर रही है, इट इज नोन एज लीनियर मोशन जी. एक लाइन के ऊपर, एक सीधी लाइन के ऊपर जब कहीं आप देखते हैं मूवमेंट, तो उसको आप कहेंगे लीनियर मोशन. इफ अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कल जी, एक ऐसा जिस्म जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है, यहाँ पे एक सर्कल में मूव कर रहा होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन. सच मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट्स सीरियल नंबर 11, इफ ए बॉडी मूव्स इन एन इररेगुलर मैनर इज कॉल्ड रेंडम जी. इररेगुलर मैनर, कभी उसकी स्पीड ज्यादा है तो कभी कम है, कभी एक दफा है तो कभी दो दफा है, उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, इररेगुलर मैनर में वो मूव कर रही है, तो उसको हम कहेंगे रेंडम मोशन. सीरियल नंबर 12, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जी, तवाजन की तीन हालतें हैं. सच नंबर 1, यहाँ पे देखें, सच स्टेट इन विच अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब एंड द बॉडी बिकम्स टू द ओरिजिनल पोजिशन, द बॉडी इज सेट टू बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम जी. जब एक बॉडी एक जगह पे, सच स्टेट इन विच अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब, हल्का सा वो डिस्टर्ब होता है, एंड द बॉडी बिकम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, फिर वहां से डिस्टर्ब होने के बाद अपनी असली हालत के ऊपर जब वो वापस आ जाता है, द बॉडी इज सेट टू बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आप इसे कहेंगे ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है. ऑन डिस्टर्बिंग द बॉडी स्लाइटली, आप थोड़ा सा बॉडी को स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, द बॉडी डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और फिर वही जो बॉडी है वो अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे वापस नहीं आती, द बॉडी सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जी. तो उस सूरत में आप उसे क्या कहेंगे, ये अनस्टेबल एक इक्विलिब्रियम है. यहाँ नीचे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, रिग्नोट कर देता हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है आपके सामने सिरे नंबर 14. 15, अ स्टेट इन विच डिस्टर्बिंग द बॉडी स्लाइटली सेंटर ऑफ द ग्रेविटी डज नॉट शिफ्ट जी. अगर आप स्लाइटली हल्का सा बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन जो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसका शिफ्ट नहीं होता, उसका मरकज जो मैवर है वो एक जैसा रहता है, देन इट इज सेट टू बी द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जी. इसको फिर आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे. द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी द स्टेटेड दैट ए बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स जीरो जी. जब जीरो पोजीशन में तमाम फोर्सेस काम कर रही होंगी, देन आप कह सकते हैं, कैन आल्सो बी स्टेटेड, कह सकते हैं द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम की है. लेकिन यानी इफ, अगर देयर इज रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स जीरो, अपने जीरो के ऊपर सारी फोर्सेस काम कर रही हूँ. 17 नंबर पे देखिए, तो स्टूडेंट्स ये है 17 में, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन बॉडी सो दैट द टोटल सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ दीज फोर्सेस इज जीरो एंड द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, इट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये दूसरी हालत है जी, दूसरी हालत है. इन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन बॉडी, जब काफी सारी ताकतें एक बॉडी के ऊपर लगाई जाएंगी, सो दैट द टोटल सम ऑफ द टॉर्क्स ऑफ दीज फोर्सेस इज जीरो, लेकिन उन तमाम के जो टॉर्क की रेशियो है वो जीरो है,
बॉडी विल बी इन द इक्विलिब्रियम, तो फिर अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है वो अपनी एक तवाजन हालत में होगा, मतवाजन हालत में होगा. इट इज द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट बाय इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्शन. ये कंडक्शन को डिफाइन किया उन्होंने कि जब हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर बाय इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स. आपस में मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं उनका इंट्रैक्शन होता है, टकराते हैं, उस सूरत हाल को आप कहते हैं दिस इज नोन एज कंडक्शन. जी स्टूडेंट, सीरियल नंबर 19, ट्रांसमिशन ऑफ हीट ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्शन. जी कन्वेक्शन क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट. हीट का एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे तबादला होना जाना ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. जब एक्चुअल मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स, उस सूरत में क्या होती है? हीट वहाँ से ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिशन उसकी होती है ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. एक जहाँ पे जो मैटर पड़ा होता है, सब्सटेंस होता है, उसकी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ टू अदर इज कॉल्ड कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का नाम देते हैं. सीरियल नंबर 20, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ वेव्स. जी जो गर्मी है, तपिश है, वो वेव्स की सूरत में, ठीक है, हॉट वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, मीडियम को किसी किस्म के लिहाज से डिस्टर्ब किए बगैर जब वो मूव करती है तो उसको हम कहते हैं रेडिएशन. आज की ये जो वीडियो थी हमने देखी कि वो हमारे तमाम बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अप्लाई कर रखा है और पीएमए का कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, या पाकिस्तान एयरफोर्स एज एयरमैन और एज एयर वुमेन जो हमारी बेटियां हैं वो ज्वाइन करना चाहती हैं, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये जो क्वेश्चंस हैं हमने इसमें शामिल किए हैं, डेफिनेशन शामिल किए हैं, और वो तैयारी करके पाकिस्तान एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं. हमारी जो अकेडमी है इसने लैंग्वेज कोर्स का भी एहतमाम कर रखा है, और तमाम वो बच्चे जिनको अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इंग्लिश लिखना बोलना पढ़ना समझना उनको नहीं आती, तो लिहाजा हमारी अकेडमी 1 मंथ 2 मंथ के कोर्सेज भी करवा रही है इंतहाई मुनासिब फीस में. और जो हमारे तमाम वार्ड्स हैं, स्पेशली जो PF आर्मी और नेवी वार्ड्स हैं और जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं या हाफिज़ कुरान हैं, उनको हमने फ़ीस के अंदर बड़े ही खसूसी पैकेज दिया हुआ है, वो भी आ सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं. मोस्ट वेलकम टू शाहीन लीडर्स अकेडमी. इन्हीं टेस्टों को पढ़ के आप पाक फिजाइया का एक सरमाया इफ्तिखार बन सकते हैं, और ये हमारी फोर्स पाक फिजाइया नो डाउट पूरे मुल्क के लिए एक फ़ख्र है और एक सरमाया इफ्तिखार है. तो लिहाजा इन टेस्टों की तैयारी करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे. वीडियोस को गौर से देखें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, जितनी दोस्तों साथ शेयर करेंगे उनका भी फ़ायदा होगा. तो हमारी अकेडमी साल के 12 महीने काम करती है, दाखिले जारी हैं, तमाम वो बच्चे बच्चियाँ जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स एज ए सिविलियन या एज एयरमैन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बाकायदा से हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं. पाकिस्तान नेवी में भी अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप ज़रूर अप्लाई करें और आप उससे फ़ायदा उठाएँ और पाकिस्तान नेवी का एक मायनाज कमीशन ऑफिसर बने. एक ही फीस के अंदर हमारी पूरी अकेडमी तमाम कोर्सेज को कंडक्ट करवाती है, बार बार जो फीस है वो डिमांड नहीं की जाती, सिर्फ वन गो में आप फीस जमा कराते हैं और टिल द टाइम आपके टेस्ट नहीं हो जाते उस वक्त तक आपकी रहनुमाई और गाइडेंस आपको मिलती रहती है. चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तमाम ग्रुपों में, ताकि ये सदका जारिया बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. और जो हमारे नए आने वाले हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनसे मेरी ये बड़ी दर्दमंदाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करते हुए इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस भी हमसे वसूल करते रहेंगे. अल्लाह पाक आपको हामी नासिर हो. इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं. पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद.